डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो हमारे लोगों को जो एस सी एस टी को ये पता है कि क्या आंदोलन था, क्या उसके जो प्रोविजंस थे वो उनको जो इफेक्टिव करते हुए कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पास किया जिसकी वजह से हमें सभी लोगों को सड़क पर आना पड़ा। मैं देखता हूँ कि मेरे पास में सभी तरह के लोग आते हैं समस्या लेके, मगर हम एस सी एस टी एक्ट में पूरी दिल्ली का ही देख लीजिए, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, मेरे साथ ही एक दो एडवोकेट भी हैं, नाम सुना है मैंने। आप किसी भी थाने में जाकर देखिए कि वहाँ जीरो एफआईआर है, मतलब अगर परसेंटेज देखेंगे तो एफआईआर ही नहीं होगी। नेक्स्ट लेफ्ट एंड टर्न राइट, आगे आना ही नहीं चाहता कि भाई हमारे क्या राइट्स हैं और उसमें किस तरह से हमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और हमारे उसमें क्या है, कोई उस पर नहीं करता। हम इवन साथियों, क्योंकि हम लोग सभी विभिन्न उनमें काम करते हैं, इवन जाति सूचक शब्द नाम से भी अगर कोई आदमी संबोधित करता है तो भी एस सी एस टी कैटेगरी में वो आता है, और उसके लिए आप प्रॉपर जो है अपनी जो रेमेडी है अवेल कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए। जो हमारे जनरली समाज में ये बात आ जाए कि दो विटनेस होना चाहिए और विटनेस मतलब अदर कास्ट के सोकार जनरल कास्ट के होने चाहिए, तो उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके साथ में कोई अगर इवन जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल करता है तो वो उसी कैटेगरी में आएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि हम प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपनी प्रॉब्लम की पता नहीं है। समाज में जो हमारे जितने भी चाहे यहाँ बैठे वाले लोग हों चाहे वहाँ बैठे वाले लोग हों, हम आधा आधा दो दो घंटे ऐसे भाषण देते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाषण से सब कुछ होगा। सर काशीराम साहब कहा करते थे कि जो जहाँ है वहीं रहकर अगर अपना काम ईमानदारी से कर दे तो वो सबसे बड़ा बैक टू पे सोसाइटी है। हम जहाँ जिस स्थिति में है, जैसी भी स्थिति में है, वहीं रहकर अगर हम इस पूरे आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में अगर दीना उनका अगर हम नाम लेते हैं तो अगर वो नहीं होते तो शायद साहब जो इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए प्रेरित नहीं होते। हम अपने जो समाज के जो अंतिम आदमी हैं उससे अगर हम प्रेरणा लेके अगर आगे हाथ काम करते हैं, हमारे लिए हर आदमी महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमें ये नहीं कि कम पढ़ा लिखा है, ये नहीं जानता या समाज की इसको समझ नहीं है। कई बार तो ये जो बिल्कुल नहीं जानता वो समाज के लिए ऐसा सिद्ध साबित होता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगा जो जिस पोस्ट पर जहाँ रहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, और साथ ही आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप इस इंतजार में ना रहे कि आपकी लड़ाई के लिए कोई दूसरा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जो आदमी आपको बराबर में बैठने के लिए पसंद नहीं करता हो, आपके अच्छे कपड़े पहनने से दिक्कत हो, आपकी बहन बेटियों की शादियों में घोड़े पे चढ़ने में उन्हें दिक्कत हो, तो क्या आप उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो आपके सिर्फ और सिर्फ वो अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं? और हमें ये भी पहचान होनी चाहिए कि हमारा कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, हमारे लिए कोई बेच तो नहीं रहा, चाहे वो इधर वाला है चाहे उधर वाला है। सबसे पहले हमें उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उसको समाज के बीच में किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन वो हमारा है तो वही है। हम अपने बीच में जो हमारे हमें पता ही नहीं होती कौन दुश्मन है, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होंगे तब तक हमारा भला नहीं होने वाला। और जो जिस स्तर पर वो अपना अपनी लड़ाई अपने आप लड़े, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात बात।